नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। हमारे देश में ट्रेन का लेट होना बेहद आम बात है। कभी बारिश, कभी कोहरा, तो कभी कभी तो यूं ही हमारी ट्रेन लेट हो ही जाती है। यात्री घंटों परेशान होते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन किसी को इससे कोई लेना देना नहीं। ट्रेन लेट होती है तो इसके जिम्मेदार कोई नहीं होता। लेकिन हम आपको ये कहें कि अब आपकी ट्रेन एक घंटे से ज्यादा लेट हुई तो आपको इसका मुआवजा मिलेगा। हो सकता है आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन हकीकत तो ये है, रेल मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को ये सुविधा मिल सकती है। रेलवे इस बात पर विचार कर रही है कि अगर ट्रेन एक घंटे से ज्यादा लेट होती है तो यात्रियों को इसके एवज में मुआवजा दिया जाएगा। इस मुआवजे में यात्री अपने टिकट को रिफंड कराने के हकदार होंगे। एक अखबार के मुताबिक IRCTC ने बताया है कि दिल्ली से लखनऊ के रूट पर तेजस एक्सप्रेस चलाने की योजना को आखिरी रूप दिया जा रहा है। इस योजना के तहत इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। अगर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में अगर ट्रेन को देर हो जाती है तो यात्रियों को कुछ रिफंड दिया जा सकता है। ये रिफंड ई वॉलेट में कैशबैक या भविष्य की यात्राओं पर छूट के तौर पर दिया जा सकता है। दरअसल IRCTC को दो तेजस ट्रेन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इनमें एक ट्रेन अक्टूबर से शुरू होगी। ये ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के बीच चलेगी। IRCTC की कोशिश है कि इस रूट पर यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। इनमें चाय कॉफी की वेंडिंग मशीनों समेत खाना देने का भी प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा रेल यात्रा में 40% डिस्काउंट पाने वाले सीनियर सिटीजन को भी इस खास सुविधा देने की तैयारी हो रही है। रेलवे का मानना है कि यात्रियों को ज्यादा सुविधा देने से लोग रेल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तेजस की दूरी ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी, जो इस साल के नवंबर में शुरू हो सकती है। तेजस में यात्रा करने वाले यात्रियों को 50 लाख का ट्रैवल इंश्योरेंस और चोरी का कवरेज देने पर भी विचार हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में रेलवे ने कई बड़े बदलाव किए हैं। रेल के बेसिक इंफ्रा से लेकर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण और साफ सफाई को खास तवज्जो दी जा रही है, जिनका असर अब चारों तरफ दिखाई भी देने लगा है।